तो लालू जी रहे नहीं तो चचबा किसको बोलेंगे, बाप किसको बोलेंगे, पीछे दरवाजा किसको कहता है। हम लोग सीना तोड़ आदमी अगला दरवाजा तोड़ते हैं। एमपी के चुनाव के बाद पूछिएगा क्या होने वाला है, बताएंगे। नमस्कार, फर्स्ट बिहार देख रहे हैं आप, मैं हूँ आपके साथ सना रहमान। बिहार की राजनीति के बदलते समीकरण की तस्वीर आए दिन सामने आ जाती है। बिहार की राजनीति में कब कौन किसके साथ हो ले ये कह पाना मुश्किल है। वहीं इन दिनों चर्चा सबसे ज्यादा तेज है तो बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और बिहार के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव को लेकर कयास लगाए जा रहे हैं। कई तरह की बयानबाजी सामने आ रही है और कई तरह की टिप्पणी किए जा रहे हैं कि भविष्य में क्या नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव एक बार फिर से साथ होने वाले हैं। दरअसल पिछला वाकया अगर याद करें तो नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव के बीच काफ़ी नज़दीकियां देखने को मिली, जहां एक ओर तेजस्वी यादव लगातार नीतीश कुमार को घेरते नजर आते थे, नीतीश कुमार पर बिहार की समस्याओं को लेकर के हमलावर होते नजर आते थे। वहीं पिछले दिनों की अगर बात करें जो तस्वीर निकल कर सामने आई उससे साफ तौर पर ये देखा गया कि नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव अब करीब आ रहे हैं। आपको बता दें कि नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव की तरफ से राबड़ी आवास पर दावते इफ्तार का आयोजन किया गया और पहली तस्वीर नीतीश और तेजस्वी की साथ में वहां से निकल कर के आई। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पैदल चलकर तेजस्वी के दावते इफ्तार में शामिल हुए। उसके बाद कई ऐसे मुद्दे भी हैं जिस पर अब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव की राय एक जैसी है, चाहे बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दिलाने का मुद्दा हो या फिर बिहार में जातीय जनगणना का मुद्दा। नीतीश और तेजस्वी के करीब आने को लेकर के बिहार के तमाम राजनीतिक गलियारे में अब हलचलें भी तेज हो गई हैं। कई नेता बहुत सारी बातें कर रहे हैं, कई नेताओं की तरफ से काफ़ी टिप्पणियां आ रही हैं। तो वहीं इस बीच अब जदयू के नेता ने भी कन्फर्मेशन दे दी है। जदयू के नेता की तरफ से जो बातें निकल कर के सामने आई है उससे ये साफ इशारा होते हुए दिख रहा है कि शायद भविष्य में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव साथ हो सकते हैं। दरअसल जदयू के नवगछिया से विधायक गोपाल मंडल ने ये साफ तौर पे कह दिया है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव के बीच चाचा भतीजे का रिश्ता काफ़ी गहरा है। लालू प्रसाद यादव के साथ मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हुआ करते थे, जिस वजह से तेजस्वी यादव भी नीतीश कुमार की काफ़ी इज्जत करते हैं। वहीं आने वाले दिनों में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव, अगर हम बात करें पार्टियों की, तो आरजेडी और जदयू के बीच गठबंधन देखने को मिल सकता है। अब जदयू के नेता भी ये साफ साफ इशारा करते हुए नजर आते हैं। गोपाल मंडल का कहना है कि आगे आने वाले दिनों में क्या होगा ये भविष्य में देखा जाएगा, लेकिन तेजस्वी यादव नीतीश कुमार की काफ़ी इज्जत करते हैं और उन्हें दिल से प्यार करते हैं। तेजस्वी यादव नीतीश कुमार को चाचा मानते हैं, जिस वजह से वो उनके साथ रहते हैं। आप भी सुनिए जरा गोपाल मंडल क्या कुछ कह रहे हैं। कोई बदलाव नहीं, तेजस्वी और नीतीश जी दोनों चाचा भतीजा है, लालू जी के साथी रह चुके, सहयोगी रह चुके हैं, लालू जी नेता थे, नीतीश कुमार साथ में जेल में रहे। तो लालू जी रहे नहीं तो चचबा किसको बोलेंगे, बाप किसको बोलेंगे, यही है और कोई बात नहीं है। ऐसा कोई गठबंधन में तो कोई गठबंधन नहीं, कोई गठबंधन नहीं, दूर दूर से नहीं, दूर पीछे दरवाजा किसको कहता है। हम लोग सीना तोड़ आदमी अगला दरवाजा तोड़ते हैं, पीछे दरवाजा किसको कहते हैं भाई। तेजस्वी जो लगातार बातचीत हो रही है, बातचीत तो होवे करेगा। तेजस्वी जी बार बार जाते हैं वहाँ, उनके यहाँ बातचीत होती है। भाजपा को छोड़ने का प्लान है? नहीं, भाजपा को क्यों छोड़ेगा भाई, 5 साल तक नहीं छोटा छोटी हो सकता है। एमपी के चुनाव के बाद पूछिएगा क्या होने वाला है, बताएंगे। ऐसे हमारी सरकार 5 साल तक चले, नीतीश कुमार रहेंगे 5 साल तक विधायक, मुख्यमंत्री कोई गठबंधन नहीं होगा? नहीं, अभी किसी से नहीं मुलाकात, समय वक्त बताएगी। इस कोविड पेंडेमिक में सब ये शहर छोड़कर अपने शहर अपने घर चले गए। हम लोगों का अपना शहर तो है लेकिन वहाँ अपना घर नहीं। अगर सिचुएशन और खराब होता चला गया तो हम जाएंगे कहाँ? अरे ये प्रॉब्लम तो हर शहर में, लेकिन हाँ अपने शहर में भी अपना घर तो होना ही चाहिए। होना चाहिए तो कहाँ है अपना घर? ये है ना
ई होम्स पैनोरमा पूर्णिया में, अपने शहर में अपना घर। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा, बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रिडिफाइंड।